गणित की सबसे बेसिक अगर जान देखें तो हम लोग पढ़ेंगे एक प्रतिशत, क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे, पहला डे होगा परसेंट का, और यह एक बेसिक गणित है। अगर आपको प्रतिशत समझ में आना शुरू हो जाए, और यदि प्रतिशत एक बार आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो गणित के 7 अध्याय आप कंप्लीट करेंगे। यकीन मानिए 7 अध्याय आपके कंप्लीट होंगे, और आप अभी नहीं, जब जिस समय अध्याय बढ़ता चले आगे, त्यों त्यों आपको यह आभास होता चलेगा कि वास्तव में जो हमने कहा वो सही है, ये 7 अध्याय को अकेले कवर करेगा। प्रतिशत जो परसेंटेज है, इसे प्रतिशत कहते हैं, और ये परसेंटेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दो बातें हैं, इसका चिन्ह जो सिंबल होता है वो ये होता है, शायद आप लोग को पता होगा, ये परसेंटेज का चिन्ह होता है। यह क्या है, परसेंटेज का चिन्ह। चलिए लिखेगा, नोट बना के लिखेगा, नोट बना के लिखते चलेगा, लाइव क्लास है आपके लिए, नोट बना के लिखेगा। जब किसी भी पद या अक्षर के दाई तरफ परसेंटेज का चिन्ह लग जाए तो उसका हर सदैव 100 होता है। इसे दिए गए परसेंटेज चिन्ह से व्यक्त करते हैं। मेरी हर एक बात समझिएगा, मैं पूरी तरीके से ट्रिकी गणित पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी हर एक बात सुनते चलेगा, नोट बनाते चलेगा, एकदम ट्रिकी। मैंने आने वाले समय में आप कोई भी किताब अपने पास रखे रहेंगे, जब प्रश्न हल करना शुरू करेंगे आप ये मानेंगे कि वास्तव में गणित की जो शुरुआत थी हमें इलनी दुर्गेश से पहले से ही करनी चाहिए थी। ये मत सोचिएगा कि दुर्गेश सर तो सामान्य अध्ययन पढ़ाते हैं, गणित कैसा पढ़ाएंगे। आपको ऐसी गणित शायद ही कहीं मिले, ये घमंड नहीं, ये गर्व की बात है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन शत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन शत माने हाउ मेनी इन 100, माने 100 में कितना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन शत माने 100 में कितना, माने दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100 है। मेरी लंबाई आपकी लंबाई, मेरी मोटाई आपकी मोटाई, मैं जितना खाता हूं आप जितना खाते हैं, आप जितना पढ़ते हैं मैं जितना पढ़ता हूं, आपकी सैलरी मेरी सैलरी, घर वालों सैलरी, हर वस्तु दुनिया में अपने आप में 100% होती है। खाली सुनते चलिएगा, जो लिखने वाला होगा सुनिएगा, ये अभी आपको गणित आसान करने का तरीका है कि दुनिया में हर वस्तु अपने आप में 100% है। जैसे कह दिया जाए कि दुर्गेश के वेतन में 10% की वृद्धि हो जाए, मतलब कितना वृद्धि, पहले दुर्गेश का वेतन 100 था, अब बढ़ेगा कितना हो जाएगा 110। दुर्गेश के वेतन में 20% की कमी हो गई, माने पहले 100 था अब कितना होगा 80। तो यह आप लोग को यह बात स्पष्ट हुआ, समझ में आया कि वेतन वृद्धि और कमी ये 100 पर होता है, माने दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100। जैसे आपके परीक्षा का पूर्णांक 100%, चाहे वो 100 में हो चाहे वो 100, जैसे अब कह दिया जाए हमने 20% अंक प्राप्त किए, हो सकता पेपर 30 नंबर का बना, हो सकता है पेपर 40 नंबर का बनाओ, तो जो पूर्णांक होता है परीक्षा का वो भी अपने आप में 100%। माने दुनिया में जितनी चीजें होती हैं वो सभी अपने आप में 100% होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, जो लाइव में जरा कमेंट करके बताएं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। क्लियर हो गया, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दुनिया की हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब हम आगे लिखेंगे, कॉपी कलम पे लिखेगा, प्रतिशत में बदलना, किसी भी पद को परसेंटेज में बदलना, लिखेगा किसी भी पद को परसेंटेज में बदलना, किसी भी पद को परसेंटेज में बदलना, लिख लिया उसमें पॉइंट बना के लिखेगा। जब किसी पद या अक्षर में हम 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तो वह प्रतिशत में बदल जाती है, तो वह प्रतिशत में बदल जाती है, किसमें, प्रतिशत में बदल जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल लिखते चलेगा, यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माने यहां पे एक लाइन और नीचे लिखेगा, एक थ्योरी आपकी और तैयार हो गई, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, लिख लीजिएगा किसी भी भिन्न को, एक लाइन नीचे और लिखिएगा नोट बनाकर, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव
सौ से गुणा करते हैं, सदैव सौ से गुणा करते हैं, ऑलवेज मल्टीपल टू हंड्रेड, हमेशा सौ से गुणा करते हैं। आइए अब एग्जांपल के साथ पढ़ते चलते। जैसे अगर हमें इस यक्ष को परसेंटेज में बदलना हुआ तो क्या कर देंगे, इसका गुणा सौ कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, यह परसेंटेज में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, सौ यक्ष प्रतिशत, इसके बगल में कौन सा लग जाएगा, सौ यक्ष प्रतिशत, क्लियर, क्या हो जाएगा ये सौ यक्ष प्रतिशत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, जैसे कह दिया जाए पांच को प्रतिशत में बदलें, पांच को प्रतिशत में बदलें, सोचने वाली बात है, इतना छोटा सवाल है लेकिन ज्यादातर लोग गलतियां कर जाएंगे कि पांच को प्रतिशत में बदलें, अरे कैसे बदलें, बहुत ही आसान है, क्या करेंगे गुणे सौ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500%। ये क्या हो जाएगा आपका 500% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 500% हो जाएगा, क्लियर हुआ, क्लियर ना। अब जैसे कह दिया जाए 3.5 को प्रतिशत में बदलिए, 3.5 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा ये 350%, क्लियर। तो इस प्रकार से किसी भी पद या अक्षर को परसेंटेज में बदलने के लिए हम सदैव 100 से गुणा करते हैं, यह रूल आपने लिख लिया, यह रूल लिखते चले बाद में गणित आसान करेगा, जो गणित में शब्दावलियां आती हैं, गणित लगाना आसान है लेकिन जो गणित की शब्दावलियां होती हैं, जो शब्द होते हैं, गणित की जो भाषा होती है वो, और अगर वह आप पढ़ते चलेंगे, वो क्लियर करते चलेंगे, तब गणित आपको और आसान हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या देखा, 3.5 को परसेंट बदलने के लिए गुणे 100 किया, अब कह दिया जाए कि 0.02 को परसेंटेज में बदलिए, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 के बाद कितना जीरो, 2 जीरो लगेगा, 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, इसका उत्तर आ गया 2%, क्या हो गया 2%, क्या हो जाएगा 2%। अब इतना समझ में आ गया होगा, तो अगले पॉइंट हम लोग जो लिखे थे उसका एग्जांपल लिखेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग, वो भी हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे, एग्जाम्पल हल करा रहे हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं सदैव 100 से गुणा करते हैं। जैसे अगर आपके सामने आ गया 1/5 भिन्न है, तो इसे प्रतिशत में बदलिए, क्या करेंगे, हमने एक लाइन में लिख लिया किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते समय हम 100 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसके गुणे 100 कर दिया, अब काटना पीटना आपका आना चाहिए, जिसका बटा कुछ नहीं है उसका बटा एक माना जाएगा, ठीक। अब एक से एक कट जाएगा, एक का कोई वैल्यू नहीं होता अंश में, वैल्यू होता है लेकिन हर में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संख्या का बटा एक माना जाता है, दिया हो या ना दिया हो। अब हम क्या करेंगे, 5 × 5 से काटेंगे तो 20, इसका मतलब क्या हो गया 20%, क्या हो गया 20%, कॉन्सेप्ट क्लियर। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के, लाइव क्लास चल रही है, हम और आप लाइव पढ़ रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, हम आपके कमेंट देख रहे हैं लेकिन रिप्लाई करेंगे तो बातें होने इतनी लंबी चली जाएंगी और टॉपिक से दूर होते जाएंगे। गणित को आसान बनाना है तो एकदम सीरियल से पढ़िएगा, कोई क्लास मिस मत करिएगा। तो हमने क्या देखा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते, जब रट्टा मार दीजिए इसको, ठीक है, आसान हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 1/4 को परसेंटेज में बदलें, 1/4 को बदलने के लिए क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा, किसी भी भिन्न को एकदम रट्टा मार दीजिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं सदैव 100 से गुणा करते हैं, तो क्या करेंगे गुणे करेंगे 100, मल्टीपल 100 करेंगे, 4 से कट गया, 4 × 4, 4 से काटेंगे तो 25, क्या होगा ये आपका 25%, क्या हुआ आपका 25%, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट।
किसी कोई डाउट, कोई समस्या, अभी इसको टफ करेंगे, इतना आसान भी नहीं जितना समझते चल रहे हैं, अभी ये धीरे धीरे और कड़ा होता चलेगा, जो जो हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी कठिनाई स्तर बढ़ती जाएगी। अब जैसे बताइए एक बटे छ को, एक काम करें कि अभी एक बटे छ मत लिखे, दो बटे पांच को प्रतिशत में बदले, दो बटे पांच को प्रतिशत में बदले, दो बटे पांच को प्रतिशत में बदले, यह सवाल आप लगा लेते हैं तो हम इसकी कठिनाई स्तर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ऊंचाई पर बढ़ेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, इस बात की गारंटी है। और टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जुड़ेगा लर्निंग विद दुर्गेश। दो बटे पांच को प्रतिशत में बदलिए, हमने क्या सीखा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव सौ से गुणा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, गुणे सौ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पांच एकम पांच, पांच दुना दस बीस हो गया, तो दो गुणे बीस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो जितने लोगों ने 40% बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लेंगे तो ये फायदा रहेगा कि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम इसकी कठिनाई स्तर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और क्योंकि कठिनाई स्तर नहीं बढ़ेगा तो कोई मतलब नहीं आपके पढ़ने से। और आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा इलर्निंग विद दुर्गेश के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहां क्लियर हो गया, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, क्योंकि मेरे क्लास में हर एक बच्चा, चाहे गणित उसको आती हो चाहे गणित ना आती हो, उसे पारंगत बनाना है, ये मेरा उद्देश्य है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग एक बटे छ को भिन्न में बदलिए, जल्दी जल्दी एक बटे छ को प्रतिशत में बदलिए, एक बटे छ को प्रतिशत में बदलिए, जल्दी जल्दी बदल कर बताइए, एक बटे छ को प्रतिशत में बदलिए, एकदम बेसिक गणित पढ़ाएंगे, यकीन मानिए, एक बटे छ को प्रतिशत में बदलिए, जल्दी बताइए कितना होगा, एक बटे छह को प्रतिशत में बदलिए, अभी तो खेल शुरू हुआ, अभी तो आप लोग सरल सरल सवाल था, अभी तो एकदम बेसिक था, धीरे धीरे कठिनाई स्तर बढ़ाएंगे ना, क्या होगा बताइए, एक बटे छह को, इसके लिए क्या करेंगे हम, गुणे करेंगे सौ, क्या करेंगे गुणा सौ करेंगे, तो ये देखिए कटेगा कैसे, दो से काटेंगे तीन, दो से काटेंगे तो पचास, ये होगा पचास बटा 3% अर्थात 16 सही, 2/3%, क्लियर, क्या सबका इतना आया है, कॉपी कलम पे हल करिएगा, देखिए मेरी गणित जो पढ़िएगा वो कॉपी कलम पर हल करिएगा, ऐसा नहीं कैलकुलेटर यूज करिएगा, क्योंकि जितना बेहतर आप कैलकुलेशन करेंगे गणित उतनी स्ट्रांग आपकी होगी, यकीन मानिए उतनी स्ट्रांग आपकी गणित होगी, और इससे आसान गणित कभी सोचा होगा ना आपने, सुना होगा ना पढ़ा होगा, अभी नहीं, ये तो एक क्लास है ना, अभी सारी क्लास पढ़िएगा, यकीन मानिए गणित एकदम हलवा लगेगा आपको। अब आगे देखते हैं, ये हो गया आपका, अब हम आते हैं एक बटे नौ को प्रतिशत में बदलिए, एक बटे नौ को प्रतिशत में बदलिए, हो गया, कुछ नहीं करना है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 9, 9 से काटेंगे 11, 9 दहा में 90, 11 हो जाएगा 1/9%, क्लियर होता जा रहा है सबका, सबका, बस एक सवाल और लगाएंगे फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे, यह सवाल आखिरी लगाएंगे। चलिए अब लगाइए हम लोग 4 सही 3/5 को, 4 सही 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, 4 सही 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, ये वीडियो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, जो अभी तक लाइव जुड़े हैं नहीं भी जुड़े हैं उन सभी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, हमारा एक ही उद्देश्य है। 4 सही 3/5, 4 सही 3/5 को किसमें बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, यह आखिरी पॉइंट है, जैसे अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं आज की सवाल की कहानी यही खत्म हो जाएगी। जल्दी से बताइए आप बिना पेन उठाए, देखिए पहले तो उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20
23/5 ये क्या हो जाएगा 23/5। मतलब हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गुणा किया, इसको जोड़ दिया, माने यहाँ पे अगर छोटा समझना चाहे तो क्या किया हमने, 5 × 20 और 3 जोड़ दिया, ये हो गया 23/5। अब परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, एक स्वर में बताइए जल्दी से, गुणे क्या करेंगे, 100 करते हैं, 5 × 5, 5 से काटेंगे 20, ये हो जाएगा 23 × 20, तो क्या करेंगे 23 × 2 = 46, एक लड्डू है तो ये क्या हो जाएगा 460%, क्या हो जाएगा 460%। अब जरा कमेंट करके बताइए, जितने लोग इस क्लास को लाइव देख रहे थे क्या उन सभी को ये गणित समझ में आ गई। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, यहां से ये टॉपिक आपकी खत्म। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 करते थे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 करते थे, लेकिन अब हम लोग पैटर्न बदलने जा रहे हैं। तो ठीक, अब आपकी कॉपी कलम लेकर तैयार रहिए, अब अगले टॉपिक हम लिखते हैं, चलिए लिखिएगा। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसका हर सदैव 100 लिखते हैं, उसका हर सदैव 100 लिखते हैं, अथवा सदैव 100 से भाग देते हैं, अथवा सदैव 100 से भाग देते हैं, अथवा सदैव 100 से भाग देते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरा, यदि किसी भी पद या अक्षर की दाईं तरफ प्रतिशत का चिन्ह लगा हो तो प्रतिशत हटाकर हम उसका हर 100 लिखते हैं, प्रतिशत हटाकर हम उसका हर 100 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। अब आइए यहां से देखिएगा, जैसे दे दिया जाए x%, अब x%, किसी भी पद या अक्षर की दाईं तरफ परसेंटेज का चिन्ह लग गया, अब क्या लिखेंगे, इसके बटे 100, क्या हो जाएगा ये x/100। अब जैसे दे दिया जाए co%, क्या दे दिया जाए co%, इसका मतलब क्या हो जाएगा co/100, क्या होगा co/100। जैसे हमने दे दिया यहां पे 500x%, मैंने क्या कहा, इसकी जगह पे जहां पे परसेंट होता है या तो उसका बटा 100 लिखते हैं या तो 100 से भाग देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा 500x/100, मतलब हम ये लिख सकते हैं 500x/1/100, मतलब हम लिख सकते हैं 500x/100। कहने का मतलब यह था कि किसी भी पद या अक्षर के दाएं तरफ यदि परसेंट का चिन्ह लगा हो तो उसका बटा हम सदैव 100 लिखते हैं, वही लास्ट में हमें प्राप्त हो गया, हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो क्या बचेगा 5x, क्या बचा 5x। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हो गया। अब एक लाइन और लिखेगा लिखे होंगे शायद कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं या उसका हर 100 लिखते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। तो इतनी सारी चीजें हो गई, अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 14% को भिन्न में बदलिए, जी हाँ आपने सही कहा, उसका हर सदैव 100 लिखेंगे, 14% को भिन्न में बदलिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/100, काट कर छोटा करेंगे 2 से कटेगा तो हो जाएगा 7/50%, क्या हो जाएगा 7/50%। क्लियर, एनी डाउट किसी को। 20% को बदलिए,
यहाँ पे 20% है, अब इसे भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, इसका बट्टा क्या लिखेंगे, जहां पे परसेंट का चिन्ह लगा हो उसका हर सदस्य 100 लिखते हैं, यह जीरो से जीरो कट गया, दो इक्का दो, दो पच्चे दस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5%, क्या हो जाएगा 1/5%। क्लियर, आप लोग समझते चलेगा, लिखते चलेगा, डाउट ऐसा नहीं कि जिसको आ रहा है वो तो ना पढ़े, क्योंकि ये बेसिक पढ़ा रहा हूं, इसके आधार पर मेरी पूरी मैथमेटिक्स चलेगी। जैसे अगर कहीं पे जो प्रश्न पूछा जाता है हम उसकी जो भाषा है उस भाषा के आधार पर ही आपको पढ़ाते हैं, इसलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा, देखते चलिएगा, तभी आपके डाउट और आपकी क्लासेज पूरी तरह से क्लियर होंगी। आगे देखेंगे अब इसके बाद, अब जैसे 25% को बदलिए तो 25% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/100, तो 25 का 25 क्या हो जाएगा 1/4%। यहां तक क्लियर, अब कठिनाई स्तर बढ़ाया जाए, अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया हो तो धीरे धीरे कठिनाई स्तर भी बढ़ाई जाए, अगर यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो धीरे धीरे हमें कठिनाई स्तर बढ़ाते रहना चाहिए, अगर आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो कठिनाई स्तर धीरे धीरे बढ़ाई जाए और हम लोग और आगे बढ़े। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर, क्यों अभी कोई पूछ रहा है, अच्छा सॉरी, अच्छा भिन्न बदल देने परसेंटेज में, सॉरी उत्तर परसेंटेज नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम लोग कठिनाई स्तर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, क्लियर हुआ। अब एक सवाल लिखेगा, सवाल लिखेगा आप लोग, 3/2 को परसेंट में बदले, 3/2 को प्रतिशत में बदले, 3/2 को प्रतिशत में बदले, देखते हैं सबसे पहले कौन लगा के बताता है, 3/2 को प्रतिशत में बदले, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होगा, 3/2 को प्रतिशत में बदले, बताइए। किसी भी क्लास की जो सूचना होगी वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध होगी, और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, DURGESHSIR, दुर्गेश सर सर्च करेंगे, वहां पे आपको हर एक क्लास कब कब कौन कौन क्लास चलेगी वहां पूरा शेड्यूल आपको बता दी जाएगा। अब ये 3/2 को कैसे बदलेंगे, पहला प्रश्न आपके मन में, इसको लिखेंगे कि जहां पे अनुपात होता है उसे हम बट्टे में ले सकते हैं 3/2, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणे 100 यूज करते हैं, तो 2 से काटेंगे 50, तो हो जाएगा 3/50 = 150। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये हो जाएगा 150%। ये हमने पुराना रिवीजन किया, अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम मिक्स करके सवाल देंगे और आपको मिक्स करके उसका उत्तर भी बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट अगर क्लिक हो गई हो तो हम लोग और आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अब वो सवाल मिक्स करके देंगे, जल्दी से लगा के दिखाइएगा, 66 / 2/3% को भिन्न में बदले, 66 / 2/3% को भिन्न में बदले। अब हम आपको मिक्स करके सवाल लगाएंगे, ये परीक्षा में ये सीरियल बाय सीरियल नहीं देगा, अब हम मिक्स करके लगाएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे ये कैसे होगा। तो हमने क्या लिखा कि 66 / 2/3% को भिन्न में बदलिए, तो जल्दी से भिन्न बदल के दिखाइए आप लोग, जल्दी से एकदम चुटकियों में, जी हाँ। और किसी भी अन्य समस्या के लिए, ऑनलाइन क्लास संबंधित किसी भी डाउट के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा 6306344367, और डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ठीक है, सारी सूचना क्लास की एक ही जगह आपको मिल जाएगी। चलिए इसको हल करिए जल्दी से, तो ये कैसे होगा, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 करते हैं, तो ये क्या होगा 66 × 98, तो पहले ही हो जाएगा 200/3%। अब हमने क्या सीखा, जहां पे कहीं भी कोई प्रतिशत होता है उसको हर में बदलने के लिए, उसको भिन्न में बदलने के लिए
उसका बटा 100 लिखते हैं या 100 से भाग देते हैं, यहां दोनों बातें हैं तो दो तरीके से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 200 बटे 3 पूरे का बटा 100। तो ये लिख सकते हैं कि 200 बटा 3 गुणे 100 एक तरीका। दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि जहां पे प्रतिशत का चिन्ह लगा हो, जहां पे प्रतिशत का चिन्ह लगा हो वहां पे हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। अभी 100 से भाग दिए, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 200 बटे 3 गुणे, जहां पे भाग देते हैं वो पलट जाता है क्योंकि जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा एक माना जाता है, ये हो जाएगा 1/100। ये दो जीरो, इस दो जीरो से कट गया, यहां क्या बचेगा 2/3, सेम प्रक्रिया यहां पे भी होगा, यह दो जीरो से कट जाएगा, ऊपर भी क्या बचेगा 2/3, क्या बचेगा 2/3। जरा क्लियर करके बताइए कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कितने लोग को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जल्दी से कमेंट करके बताएं, कितने लोग को यह सारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। बताइए जल्दी से, आराम से आप लोग बताते रहिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, आराम आराम से बताते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, हल करते चलेंगे, करके कदम बढ़ते रहेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर रहे, कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्लियर ना हो, कोई डाउट रहे ही ना। और ये प्रतिदिन आपकी क्लास इसी समय चलेगी, आप लोग जुड़े रहिएगा ठीक है, और अपने इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए और लोगों को इसका लाभ मिल सके, अन्यथा क्या मतलब हम लोग कितना भी पढ़ ले। क्लियर हुआ, अगले प्रश्न की तरफ चले, ये क्लियर हुआ, अब हम प्रश्न और देते हैं। अब प्रश्न लिखिएगा 16 सही 2/3% को भिन्न में बदले, 16 सही 2/3% को भिन्न में बदले, तो बदल के दिखाइए आप लोग, 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए, जल्दी से बदलिए और बताइए, जल्दी से बदलिए और बताइए। क्लियर हुआ सबका, अब क्या करना है, इसका दो तरीका है, मैंने दो तरीका आप लोग को बता दिया, ये हो जाएगा 16 * 3 = 48, 2 ये हो जाएगा 50/3, क्या होगा ये 50/3 होगा। अब 50/3% होगा, या तो आप इसका बटा 100 लिखे डायरेक्ट, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 50/3/100, फिर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3 × 1/100, ये जीरो से जीरो कट गया, 5 * 5 = 5, 5 * 2 = 10, ऊपर 1/3 × 2 क्या हो जाएगा 3 × 2 = 1/6। या तो यहां पे ऐसे लगा सकते थे आप, यदि यहां पे दिया है 50/3%, हम लिख सकते थे 50/3/100, फिर लिख सकते थे 50/3 नीचे चला आएगा, ये गुड़े 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 5 * 2 = 10, तो 1/3 × 2 = 1/6। ये दो तरीका है, दोनों में से जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर लगा हो, वो कॉन्सेप्ट से हल कर लीजिएगा, फिर कोई डाउट रहे तो फिर हमें आप आगे बताइएगा। अब आते हैं ठीक है, क्योंकि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात कहा है, तो जो हमारा भिन्न होगा वो यह होगा, भिन्न क्या होगा 1/6 होगा। अब बताइए यहां तक जितने लोग लाइव अभी तक देख रहे हैं, क्या यहां तक किसी व्यक्ति व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके सीधे हमसे पूछ सकते हैं, फिर कोई समस्या रहती है हम उनके समस्या को पूरी तरीके से हल करेंगे, समस्या को सुलझाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं है ना, किसी के मन में कोई डाउट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलने का प्रयास करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ें ठीक है। अब हम लोग आते हैं
किसी भी दशमलव संख्या को कैसे भिन्न में बदला जाए और किसी भिन्न को कैसे दशमलव बदला जाए, किसी दशमलव को परसेंटेज बदलना और परसेंटेज के दशमलव बदलना, यह भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। जब आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो यह कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम आसानी के साथ समझ में आएगा और आसानी के साथ क्लियर होगा। आइए उनको भी चुटकियों में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे दे दिया जाए 2.5 प्रतिशत को भिन्न में बदले, 2.5% को भिन्न में बदले, तो हमने क्या देखा है कि जब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो क्या करते हैं, जल्दी से बताइए, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन बताइए जो आपने पढ़ा अभी तक, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। मैंने कितनी बार आपको बताया किसी भी प्रतिशत को गुणा 100 करते हैं, नहीं, मैं वही देखना चाह रहा था कि आप लोग कितना याद है। जब किसी भी पद या अक्षर की दाईं तरफ परसेंटेज का चिन्ह लग जाए तो उसका बटा 100 करते हैं, गुणे 100 नहीं करते, इसीलिए मैंने कहा कि इसे नोट डाउन करते चलिए, रट्टा मार दीजिए, जब किसी भी पद या अक्षर की दाईं तरफ प्रतिशत का चिन्ह लग जाए तो उसका बटा क्या लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 2.5, ठीक, 2.5 बेचारा पहले से है, अब इसका लिख देंगे बटा 100, क्या लिखेंगे बटा 100। अब अगर या तो इसको दशमलव में लिखना है या तो भिन्न में लिखना है, इस दशमलव को खत्म करने के लिए 25 बटा नीचे क्या होगी, जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 1000। अब इसको फिर दशमलव बदलना होगा तो क्या करेंगे, ये 25/1000 तीन अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 0.025, ऐसे काट के छोटा कर सकते हैं, 1/40 भी सही है, ठीक है, क्लियर। और अगर कुछ लोग इसे अगर और काट के छोटा करना चाहते हैं वो भी मैं बता दूं, वो कैसे होगा, ये हो जाएगा मान लीजिए 25/1000 है तो 25 × 25 = 100 तो 1/40, फिर इसे लिख दो 0.025, क्लियर। किसी कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट लेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे कि आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, और नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो लगातार आप सभी को मेहनत करनी होगी और अपना बेस्ट देना होगा ताकि सफलताएं आपके कदमों के नीचे हों। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं, एक टाइप का प्रश्न और देखते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे उनको कहीं गलती नहीं समझ आएगी, उन्हें कहीं दिक्कत ही नहीं होगी, जो बीच में आते हैं फिर चले जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं उन्हीं को दिक्कत होगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं, जैसे यहां पे दे दिया जाए, किसी ने कहा दोबारा बताइए, देखिए 2.5% को जब भिन्न में बदलना था, हमने सीखा है कि किसी परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए बटा 100 करते हैं, तो बटा 100 किया, किसी भी दशमलव एक अंक हटाने के लिए नीचे हर में एक जीरो बढ़ाते हैं तो जीरो बढ़ा दिया 25/1000, और किसी भी भिन्न को दशमलव बदलने के लिए नीचे तीन जीरो था ऊपर तीन अंक पे दशमलव लगा दिया तो 0.025 हो गया, एक तरीका यह था। अगर यहाँ 25/1000 होगा इसको काटते तो 1/40 आता, 1/40 को भी दशमलव बदलते 0.025 आता। इस प्रकार हम दो तरीके से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते थे, समझ सकते थे और लगा सकते थे। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो आप लिखिएगा, जरा लिखिएगा, 5% को दशमलव में बदले, 5% को दशमलव में बदले, हाँ आपने सही सुना है, हमने क्या कहा है 5% को दशमलव में बदले, क्या करें 5% को दशमलव में बदले, आपने एकदम सही सुना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा, 5% को दशमलव में बदले, अगर आज आप ये समझ लेते हैं तो कल से हम लोग सवाल लगाएंगे और उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ अच्छी तरीके से सवाल लगाएंगे और अपना बेस्ट और अपना बेहतर देंगे। बताइए, अच्छा सभी के उत्तर आ रहे हैं, अच्छी बात है और अच्छा लग रहा है कि आप सभी के आंसर आ रहे हैं जी, दशमलव बदलना था भिन्न में भी आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है सभी ने, अच्छा देखिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा कि 5 है तो ये हो जाएगा 5/100,
अब किसी भी भिन्न के हर में अगर जितना जीरो हो एक के बाद उतने अंक पर दशमलव लगा सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, 0.05। अच्छा इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1/20 काट के आप 1/20 भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने जितने लोगों ने बताया उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही था, उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार ये जो आपका परसेंटेज क्लास थी, ये वीडियो जो थी वो आपकी आज की पहली टॉपिक आपकी खत्म हो गई। माने पहले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, इन दोनों तथ्यों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया और इनके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। अब अगर आपके मन में कोई डाउट कोई प्रश्न रहता है बेहतर काम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी करें और आगे बढ़े। और आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल कोई प्रश्न आता है तो भी आप हमारे साथ पूछ सकते हैं। और यह परसेंटेज की वीडियो आप सभी के लिए थी, जो वैसे प्रॉपर फिट क्लास के लिए थी, लेकिन आप सभी को ये वीडियो उपलब्ध हो गई है, इसे आप लोग देखिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। ये बेसिक गणित थी जहाँ पे हमने आपको बेसिक पढ़ाया, इसके बाद अब हम लोग आपके साथ सवाल पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े थे तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपके सामने इलर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश है, ट्विटर इलर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलर्निंग विद दुर्गेश। अगर आप इन सभी में से कोई भी सेक्शन यूज करते हो, कोई भी सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, आप वहां सर्च करिएगा, आपको इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे, आपको नोट्स ऑनलाइन क्लास सभी जानकारी मिल जाएगी। और आपको ऑनलाइन क्लास संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो 6304436 पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, किसी भी समय व्हाट्सएप करके आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ एक नंबर और आपको देते हैं, 7355179090। ठीक है, इस दोनों नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास कब चलेगी, कैसे चलेगी, क्या है। और नोट्स भी उपलब्ध है, नोट्स आपको होम डिलीवरी मिलेगी, तो होम डिलीवरी नोट्स के लिए भी आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपकी क्लास बेहतर लगी होगी। लेकिन इसकी अगली क्लास भी पढ़ते रहेगा, क्रम से पढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं कोई भी सेशन भगा के मत देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। गणित एक आसान अध्याय है और आपको एकदम आसान सा लगने लगेगा। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।